सारे मुगल एंटी हिंदूज नहीं थे। शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को हिंदुइज्म में बहुत इंटरेस्ट था। उसने बनारस के कुछ ब्राह्मणों की मदद से 50 उपनिषदों को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया और इस तरह से 1657 में जन्म हुआ उपनेखत का। इस रिलीजियस टॉलरेंस को देखते हुए और एक अच्छा रूलर नहीं होने के कारण उसके छोटे भाई औरंगजेब ने उसका सर तन से जुदा कर दिया और उसके बाप को दे दिया। लगभग 125 साल बाद उपनिखत एंटीक्विल डुपेरॉन के हाथ लगी, जिसने इसका फ्रेंच और लैटिन में ट्रांसलेशन किया और 1801 में यूरोप में पब्लिश किया, जहां इसने वेस्टर्न फिलोसोफर्स के होश उड़ा दिए। ग्रेट जर्मन थिंकर और फिलोसोफर शोपेनहावर के हिसाब से लाइफ के लिए इतनी एलिवेटिंग और बेनिफिशियल टेक्स्ट उन्होंने आज तक नहीं पढ़ी। दुख की बात तो ये है कि आज भारत की मेजॉरिटी जनता को उपनिषद की समरी भी नहीं मालूम होगी, क्योंकि कई हिंदू ही एंटी हिंदूज हैं। लेकिन